सासनी नगर पंचायत सासनी के वार्डों में विद्युत पोलों पर लाइट न होने की वजह से कई वार्ड निवासियों को रात के अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बरसात का मौसम चल रहा है। आवागमन एवं कीड़े मकोड़ों का भय बना रहता है। नगर वासियों ने नगर पंचायत से लगाई गुहार। कभी अपने चेयरमैन से कहा है इस बात के लिए? चेयरमैन ना दिख रही, चेयरमैन खुद दिख रही है। कभी कहा है, बोला है? कई बार शिकायत करी है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आपका? मेरा नाम अमित है। क्या समस्या है नगर पंचायत? सासनी नगर पंचायत से, मोहल्ला ब्रह्मनपुरी से। यहाँ इस मोहल्ले में किसी भी लट्ठे पर लाइट नहीं है। यहाँ दिक्कतें ज्यादा आती है, पूरा मोहल्ला अंधेरे में रहता है। कभी बच्चे खेलते हैं तो कोई गिर जाए, लग जाए, चोट लग जाए, तो यहाँ दिखता किसी को कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल आती है, दिक्कत ज़्यादा होती है। तो कृपया करके नगर पंचायत से ये अनुरोध मेरा कि इस मोहल्ले में लाइट लगवाने की कृपा करें। कब से नहीं लाइट है ये? जब से यहाँ ये नए लट्ठे जो लगे हैं और उसके बाद इसमें जो चैनल लगा हुआ है उसके बाद से लाइट नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, वैसे तो लाइट हमारे यहाँ पहले से ही शॉर्ट थी। 541 खम्भे हमारी सासनी में है और 541 खम्भे के हिसाब से हमारे यहाँ लगभग 450 लाइट प्रोवाइड है पहले से। चूँकि नई लाइट अभी 85-84 आई थी वो लगवा दी गई है, लेकिन फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। फिर हमने क्या है, हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव में पास किया था कि पुरानी लाइटों को सही करा लिया जाए और सही करा के रिपेयरिंग करके लगवा दी जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति में तो ये है कि बारिश के मौसम से लाइटें कुछ शॉर्ट हो गई हैं, वो निरंतर उस पर काम चल रहा है और पुरानी लाइटों को हमने सही भी कराया है, रिपेयर करा के कुछ लाइटें हमने लगवा भी दी हैं। स्थिति ऐसी है कि लाइट हमें ऊपर से ही नहीं मिल पा रही है। हमने यहाँ से शासन के लिए लेटर दिया है, पंडित दीनदयाल स्कीम में हमने लाइटों की डिमांड की है और सड़कें जो टूटी हुई हैं, नाली टूटी हुई है, उसके लिए डिमांड डाली हुई है। दूसरा, यहाँ पर पेयजल की भी व्यवस्था आपको अवगत करा दूँ कि पेयजल की भी व्यवस्था ख़राब है। पेयजल में हमारे यहाँ पहले 4 ट्यूबवेल थे जिसमें से केवल एक चल रहा है, और एक वो भी लगभग जितनी देर लाइट आती है उतने समय तक चलता ही रहता है, तो उसकी आए दिन मोटर फुक जाती है। क्योंकि मोटर की गारंटी केवल मात्र 15 घंटे चलने की होती है जबकि हमारे यहाँ चल रही है 22 घंटे, तो वो 3-4 महीने में फुक जाती है। तो उसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है और शासन से उसके लिए भी डिमांड डाल दी है, 4 ट्यूबवेल पुनः हमारे यहाँ लगवाए जाए। नगर पंचायत में कई कई जैसे आवागमन के लिए रास्ता है, वहीं कई कई गड्ढे हैं, क्या आपकी तरफ से भरवाने का प्रयास किया है? वो गड्ढे की रिपेयरिंग जो होती है वो राजवित्त के पैसे से होती है। राजवित्त हमारे यहाँ है नहीं है, राजवित्त नहीं है। और दूसरा ये, एक 15 वित्त आयोग से जो पैसा आता है हमारा, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। क्योंकि सासनी में कोई भी टैक्स प्रणाली नहीं है और हमारे ऊपर से इतना प्रेशर डाल दिया है कि अगर आप टैक्स लागू नहीं करेंगे तो आपकी सारी वित्तें बंद कर दी जाएंगी। इसलिए हमारी 15वां वित्त का पैसा बंद कर दिया गया है। पिछला पैसा हमारा लगभग 40 लाख रुपया आता, वो भी नहीं आया है, जिससे कि हम ऐसे विकास कार्य करा सकते थे। ये पथवारी मोहल्ला से लेकर के और जो ब्रह्मनपुरी मोहल्ला बाईपास, उसको अंधेरे में डूबा हुआ, उसमें क्या प्रयास किया गया? आज लाइट का सारे में 2 कर्मचारी हमारे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और वो सारी लाइटों को ही रिपेयर कर रहे हैं और लाइट पे ही फोकस है हमारा पूरा और पानी पे फोकस है।